चमकौली नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी जिन्न की आवाजें आती हैं, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, वहाँ फिर से उस जिन की वही डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है? अगर वो तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। तभी वो वहाँ से बात करते हुए खेत से चले जाते हैं। अगले दिन गांव का एक लड़का रांझा, यार इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जानकर रहूंगा, सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रांझा और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब रो रहे थे। शाम को बस ये बोल के घर से निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा। हो ना हो, ये उस गुफा वाले जिन ने ही किया है। हाँ, उसी गांव में धन्नू नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों हमें बाबूजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही जगह है जहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है, हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। लेकिन गांव के रांझा भाई की मौत के बाद तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। अरे रीमा, ये सब झूठी बातें हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। और वैसे भी गांव वालों ने उस जिन्न को देखा नहीं, बस उसकी आवाज ही सुनी है। अगर सच में वहाँ कोई जिन्न होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? हाँ बोल तो सही रही हो सीमा, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता रांझा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ कुछ नहीं है, वहाँ हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे सीमा। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा अपना सिर हिलाती हुई, ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह, देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहाँ नहीं जाता। पता है ना, रांझा भी वहीं जाने से मारा गया था। हम दोनों बहनें उस बाग में नहीं जाएंगी। इसके बाद धन्नू वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं। कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग की उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहां से अक्सर किसी जिन की आवाज आती है। अरे काका, हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं, वहां से कुछ फूल लेकर बस अभी आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है बिटिया, लेकिन तुम दोनों शाम होने से पहले आ जाना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और रीमा देखती हैं कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये सही कर रहे हैं क्या? गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में एक जिन रहता है जो लोगों को आवाज देता है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा, सब गांव वालों को डराने का बहाना है। बस चलो चलकर आज देख ही डालते हैं।
इसके बाद वो दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगती हैं। कि तभी वो देखती हैं कि वो दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक औरत आती है जो देखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वो औरत उन दो चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन्न रहता है? वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या कहा? जिन्न? अरे पापा। कि तभी उस जिन्न की आवाज आती है, कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। जिन्न की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे भैया भागो, इस गुफा के अंदर तो सच में कोई जिन है, भागो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ दोबारा मत आना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब रीमा और सीमा देख रही थीं कि तभी वहाँ रीमा और सीमा के सामने वो औरत आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है, जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? सीमा और रीमा डरते हुए, हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे काकी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यही रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वो जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से। क्या सच में बाग के उस पार वाली गुफा में कोई जिन्न है काकी? हाँ, और वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही है, वो जिन हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तो मेरा यही इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई वो आवाज जिन की है या नहीं? इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है। रीमा चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है जो काफी भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो। वो कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस गुफा में बरसों से कैद हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। रीमा बड़ी हैरानी से वहीं खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन्न हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? हाँ, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। क्या सच में हमेशा के लिए तुम यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मुझे क्या करना होगा जिन, बताओ मुझे, मैं अवश्य करूंगी। तभी गुफा के दरवाजे खुलते हैं और रीमा उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी अजीब सी जानवर की परछाई उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। आओ लड़की, तुम्हारा जिन की इस गुफा में स्वागत है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। क्या तुम जिन्न हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? नहीं, मैं जिन नहीं हूँ लड़की, मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो इस गुफा के कैद खाने में बरसों से कैद है, वो बाहर नहीं आ सकता है। मैं उसकी परछाई हूँ। परछाई? तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन इस गुफा में कैद क्यों है? क्या जिन के इस गुफा में रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? मार्ग है लड़की, और तुम
उस मार्ग तक पहुंच सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिन के पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जिसके बाद रीमा हाथ में जलती हुई एक आग की मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। जैसे ही रीमा तहखाने के अंदर जाती है तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। वो जैसे ही उस आग के पास जाती है, हे जिन, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसे उस जिन की आवाज आती है। आओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है लड़की। तुम बहुत ही बहादुर हो जो इस गुफा में आई हो। मेरा नाम जिनाद है। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जिन्नात, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कि तभी अचानक से जिन्नात उसके सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है। एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला, जिसके सिर पर एक लंबी चोटी होती है, जो काफी बड़ा होता है। रीमा के सामने वो आता है। उसे देखकर रीमा थोड़ा डर जाती है। देखो, तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम एक बार और सोच सकती हो। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, और तुम यहाँ कैद कैसे हुए? बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें ही खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और यहां इस गुफा में लेकर आ गई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमय फल भी था, जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता था, लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को उसके पेड़ से तोड़ ना ले। एक दिन वो औरत चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा कि हे औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई हो, वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी दो इच्छाएं मांगोगी वो पूरी होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी दो इच्छा है। पहली ये कि तुम मुझे वरदान दो, आज से ये बाग मेरा होगा, और दूसरी ये कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे, ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना आ सके और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। वो औरत मुझे फल तो दे देती है, उस फल से मेरी उम्र तो 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो गया। तब से ही मैं इस तहखाने में कैद हूँ। क्या अब से पहले किसी ने आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस चमत्कारी फल को लेकर गुफा में आ रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसको मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसको मारा है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का रांझा भैया थे, उसको उस बूढ़ी औरत ने मारा। मैं आपको यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद कराने के लिए करना क्या होगा? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी औरत की झोपड़ी दिखेगी, जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा। वहां से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही होगी तुम्हें तब ही जाना होगा, और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल लेकर आना होगा।
उसी फल में तुम्हें मेरी मुक्ति का रास मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर लड़की। इसके बाद रीमा वहां से बाग में जाती है और उस औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है। रीमा देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। रीमा अंदर जाकर देखती है कि बहुत सारे फल उस औरत की झोपड़ी में रखे हैं। अरे ये तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन सब में कोई भी फल बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा। तभी अचानक रीमा देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है। ये देखते ही रीमा दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो औरत अपनी झोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। वो अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास ही पड़ी चारपाई पर सो जाती है। ये देख थोड़ी देर बाद रीमा बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल देखती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। रुको लड़की, तुम मेरा ये जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस करो वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। रीमा ये सुनकर डर जाती है। मुझे फल ले जाने दो काकी, मैं इस फल को उस जिन को देकर उसे उस गुफा से आजाद कराना चाहती हूँ ताकि सारे गांव वाले बिना डरे यहाँ सकें। मुझे इस फल को लेकर जाने दो काकी। क्या कहा लड़की, तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन के रिहा होते ही ये सब गाँव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे ये चमकदार फल वापस करो। ये सुनकर रीमा वहां से उस फल को लेकर भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे ही भागने लगती है। रीमा भागते भागते उस गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है वो जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है जिसके गिरते ही तोते में बदल जाता है। रीमा ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो औरत वहां आ जाती है। ये तुमने क्या किया लड़की, इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया और अब ये तोता तुम्हें उस जिन्न की आजादी का सबसे आखिरी रास्ता बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत रीमा को जैसे ही अपने हाथों से मारने आगे बढ़ती है वो औरत अचानक से आग में जलने लगती है जिसे देख रीमा हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन्न की परछाई की होती है। डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहाँ वो जिन्न कैद था। रीमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जा बैठता है जो काफी चमक रही थी। तभी तोते की आवाज आती है। सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें दो रास्ते बताऊंगा जिस पर चल के तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी, लेकिन दो रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता एक गुलाब के फूल की तरफ जाता है जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरे की तरफ है जो इसी गुफा में उस तहखाने की तरफ जाता है जहां वो जिन कैद है। जाओ और अपना रास्ता चुन लो। रीमा काफी देर सोचने के बाद, मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी जो अंधेरे की तरफ जाता हो। जिसके बाद रीमा गुफा की ओर चलने लगती है कि तभी रीमा को एक सिक्का दिखाई देता है। अरे ये इतना चमकता हुआ सिक्का यहाँ कैसे आया और ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? रीमा जैसे ही वो सिक्का हाथ में उठाती है पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे ये
तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक उड़ने लगा। अरे ये सिक्का उड़ क्यों रहा है? रीमा उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रीमा देखती है कि चार चाबियां अलग अलग रंग की थीं, जो हवा में उड़ रही थीं। अरे ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में वो तोता बता रहा था। लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, ये कैसे पता चले? तभी रीमा को एक आवाज आई जो उस जिन्न की परछाई की थी। बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है। लेकिन याद रहे, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुन ली तो ये चारों चाबियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी जिन को आजाद नहीं कर पाओगी। ये सुन रीमा हैरान हो जाती है। क्या, हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया है? अब मैं कैसे इन चारों चाबियों में से सही चाबी चुनूं? काफी देर सोचने के बाद रीमा देखती है कि चारों चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी, जो लाल रंग की थी, और जिस चमकदार फल के गिरने से वो तोता बना था वो भी लाल ही रंग का था। रीमा समझ गई कि लाल वाली चाबी चुननी है। उसके लाल चाबी चुनते ही बाकी सारी चाबियां गायब हो गईं। और फिर तभी फिर से जिन्न की परछाई की आवाज आई। शाबाश बहादुर लड़की, तुम्हारी सोच बूझ की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ उस खिड़की के पास और खोल दो उसे। रीमा उसी खिड़की के पास जाती है। और देखती है कि अभी भी वो तोता उस खिड़की के पास ही बैठा था। ये देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़की, अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। रीमा जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक से खुल जाती है। रीमा देखती है उस खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी, जिसकी चारों तरफ बहुत सारे चमकदार फल चमक रहे थे और बहुत सारी तितलियां उनके पास मंडरा रही थीं। वो तोता उस खिड़की में उड़ता हुआ चला जाता है और तोता खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन्न में बदल जाता है जो कई सालों से गुफा में बंद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में अब तुम आजाद हो गए हो? अब तुम इस गुफा में नहीं हो, अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे। मैं और मेरी बहन भी अब बाग में आ सकेंगे कभी भी। हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ, अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? जिन, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़की, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो जिन्न गायब हो जाता है और खिड़की बंद हो जाती है। रीमा जब गुफा से बाहर निकलती है तो सब गांव वाले धन्नु और सीमा बाहर खड़े होते हैं। अरे मेरी बिटिया, आ गई तू वापस? उस जिन्न ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई थी तू उस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता मैं? दीदी तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस जिन्न ने कुछ नहीं किया? बाबूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब अंदर कोई जिन्न नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन्न था अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है।
अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब कोई भी यहाँ आ सकता है। अरे क्या बोल रही हो रीमा बिटिया, आखिर कहाँ गया वो जिन जो आते जाते लोगों को आवाजें दिया करता था? रीमा गांव वालों को सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और रीमा से बोलते हैं, अरे रीमा बिटिया, तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और रांझा की मौत का रहस्य भी सब गांव वालों को पता चल गया। इसके बाद गाँव वाले बिना डरे हंसी खुशी गाँव में रहने लगते हैं।